हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज़ हीट स्ट्रोक और अगर किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो हीट स्ट्रोक क्या है? ये इलनेस है मार्क्ड बाय एन एलिवेशन इन बॉडीज़ टेम्परेचर, मतलब आप धूप में बहुत देर रह रहे हैं और आपका टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा हो गया है और आपको चक्कर आने लगते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। तो कुछ सिम्टम्स जो हैं हीट स्ट्रोक के, वो क्या है कि हम जब धूप में रहते हैं तो हमें चक्कर आने लगते हैं, थकान महसूस होने लगती है और हमारे सिर में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट है, व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू विक्टिम ऑफ ए हीट स्ट्रोक, मतलब अगर किसी पेशेंट को हीट स्ट्रोक हुआ है तो हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले है, मेक द पेशेंट लाई डाउन इन अ शेडी प्लेस। अब छायादार जगह पे, छाया वाली जगह पे पेशेंट को लिटाना है या लिटा दीजिए। डोंट्स में है, डू नॉट क्राउड अराउंड द पेशेंट, पेशेंट के पास ज़्यादा भीड़ जो है वो नहीं करनी है। दूसरा है, इन केस ऑफ हाई फीवर ए कोल्ड स्पॉन्ज इज हेल्पफुल, अगर उसको ज़्यादा बुखार लग रहा है, टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा लग रहा है, तो आप उस पर कोई ठंडा स्पॉन्ज या कपड़ा रख सकते हैं। डू नॉट कवर द पेशेंट विद एनी क्लोथ, स्पेशली वूलन क्लोथ, तो गर्म कपड़ा जो है वो पेशेंट के माथे पर नहीं रखना है। गिव द पेशेंट ए सॉल्यूशन ऑफ साल्ट शुगर एंड लाइम, आप उसको पानी बना के दे सकते हो, नींबू पानी, जिसमें आपने थोड़ा सा नींबू डालना है, नमक और चीनी डालनी है, तो आप वो दे सकते हो या कच्चे आम का जूस उसको पिला सकते हो। डू नॉट गिव हॉट कॉफ़ी और टी टू द पेशेंट, आपने गर्म चाय या कॉफ़ी पेशेंट को नहीं पिलानी है।